Alright. Hello friends and very warm welcome to the Bank Regulatory Body Exams channel presented to you by Unacademy. So guys this is lecture number 5 uh, uh, of ours on uh, uh, this particular channel related to the agriculture previous year questions. Alright these questions uh, specifically we are uh, currently doing from the previous year IBPS AFO exams. एंड एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस अगर आप ऑब्जर्व करो तो मोर और लेस सेम रहते हैं डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर तो अगर आप ए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर डोमेन एनी अदर एग्जाम विच इज़ कंसर्नड विद द एग्रीकल्चर सब्जेक्ट सो वो उन एरियाज़ में भी ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट uh, रहेंगे ठीक है छोटे छोटे हम यहाँ पर लेक्चर्स देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़े लेक्चर्स के साथ हम नहीं जा रहे हैं ताकि ईजीली आप इसको uh, जो है कवर कर सकें ऑल राइट एंड आई वुड लाइक अगर आप इसको रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं तो लाइव आने की ज़रूर कोशिश किया कीजिए एंड सेशन को जितना हो सके शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ क्योंकि जितना ज़्यादा वी आर वी विल बी एबल टू तो इंटरैक्ट उतना बेटर वी विल बी एबल टू परफॉर्म और राइट ट्वेंटी फोर्थ नवम्बर से बैंकिंग डोमेन के ऊपर आपके बहुत सारे मल्टीपल बैचेस भी स्टार्ट हुए हैं फॉर वेरियस एग्जामिशन जहाँ पर आपको बेस्ट एजुकेटर्स वर्ल्ड के इंडिया uh, के अंदर जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिशन बी टीचिंग यू चाहे फिर वो एस बी आई पी ओ की बात हो या आपका जो सी एट एग्जाम्स है उनकी बात हो ठीक है सो फाउंडेशन बैचेज एडवांस बैचेज हर तरह के बैचेज जो हैं दे आर बींग रन बाय द वेरियस एजुकेटर्स जो आपका एल आई सी असिस्टेंट का प्रीलिम्स बैच है वो भी बेसिकली स्टार्ट होने वाला है एंड अगर आप पहली बार अन uh, अकेडमी uh, आज तक कभी अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं आए हो वेबसाइट के ऊपर नहीं आए हो सो नेवर बी कन्फ्यूज कि अन अकेडमी इज ऑल अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन ठीक है प्लस सब्सक्रिप्शन इज वन ऑफ द कॉम्पोनेट बट वी आर नॉट ओनली फोकसड ऑन द प्लस सब्सक्रिप्शन वी ऑल्सो प्रोवाइड अ लॉट ऑफ फ्री क्लासेज एंड फ्री कोर्सेज ठीक है एंड फ्री क्लासेज आपके प्लस एजुकेटर्स होते हैं जो टॉप uh, एजुकेटर्स हैं वो आपके काफ़ी सारी फ्री क्लासेज भी कंडक्ट करते हैं एंड लेट मी टेल यू यू विल डेफिनेटली फील द डिफरेंस बिटवीन अव क्लास जो यूट्यूब के ऊपर लाइव क्लास होती है या यूट्यूब के ऊपर आप जो रिकॉर्डेड क्लासेज देखते हो और एक अन एकेडमी के प्लेटफॉर्म की जो लाइव क्लास होती है उसके अंदर आपको क्लियर डिफरेंस देखने को मिलेगा वेरियस ऐसे फीचर्स हैं अन अकेडमी के ऊपर जो एजुकेटर के एक्सपीरियंस को और लर्नर के एक्सपीरियंस को बहुत स्मूथ जो है वो कर देते हैं न फॉर एग्जाम्पल हमारा एक आज का डाउट फीचर है जिससे आप हमारी ऐप के ऊपर जाकर यू कैन अपलोड एनी ऑफ योर डाउट्स एंड उन डाउट्स को अल्टीमेटली रिजॉल्व किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग यू द वीडियो सोल्यूशंस Similarly, we also uh, have a system where what can be done is you can live class ke andar aap directly apna hand raise kar sakte ho and you can directly talk to the teacher एक audio call के format के अंदर जैसे आपका audio conferencing call होता है वैसे एक type का call arrange करके आप uh, live class में आप teacher से बात कर सकते हो अगेन अ वेरी गुड फीचर टीचर के साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो मैसेज कर सकते हो टीचर्स को सो so डेफिनेटली बहुत अच्छे जो है सिस्टम्स बने हुए हैं पोल का सिस्टम है जैसे यहाँ पर हम क्विज सॉल्व करते हैं तो इतना मज़ा नहीं आता वहाँ पर आप प्रॉपर पोल क्रिएट किया जाता है हर क्विज़ के लिए जिसको आप अटैम्प्ट कर सकते हो एंड लीडर बोर्ड होता है फिर आपको पता चलता है कि किसने कितने सही आंसर दिए कौन लीड कर रहा है तो ये सारी चीज़ें एक कॉम्पिटेटिवनेस जो है अल्टीमेटली बच्चे के अंदर क्रिएट करती हैं विच इज़ वेरी गुड सो डेफिनेटली यू मस्ट ज्वाइन एंड इफ़ यू वांट टू वॉच माय क्लासेस ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म यू जस्ट हैव टू सर्च फॉर केतन गर्ग ठीक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डेफिनेटली uh, लिंक मिल जाएगा एजुकेटर uh, का एंड फ्रॉम देयर ऑल्सो यू कैन गो एंड यू नो जॉइन मी ओवर देयर फॉलो मी एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू यू नो ट अ लॉट ऑफ क्लासेज ओवर देयर एज वेल राइट ओके ठीक है अन अकेडमी प्लेटफॉर्म हर संडे सुबह दस बजे ये हम कॉम्बैट्स कंडक्ट करते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए जिसके अंदर स्टूडेंट पार्टिसिपेट करके दे कैन यू नो विन अट ऑफ थिंग्स ठीक है आप उसमें स्कॉलरशिप्स uh, uh, जीत सकते हो एंड ऑल्सो यू कैन विन वेरी वेरियस अदर एक्साइटिंग प्राइसेस अगेन कॉम्बैट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यू जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको बस एनरोल करना है वहाँ पर कोड यूज़ करके के गर्ग फोर के गर्ग फोर आप कोड यूज़ करेंगे एंड देन अल्टीमेटली यू विल भी एबल टू गिव दैट टेस्ट ये आप एंड्रॉइड ऐप के ऊपर भी दे सकते हो और वेबसाइट के ऊपर जा करके पी के थ्रू भी दे सकते हैं एंड अगेन स्पेशल डिस्काउंट्स चल रहे हैं बेटा जो आज खत्म हो जाएंगे रात को तो एस एस सी बैंक कॉम्बो बैंक आर बी आई कॉम्बो ऑल गवर्नमेंट एग्जाम कॉम्बो ये सब आप अवेल कर सकते हो एस एस सी डिफेंस कॉम्बो ठीक है और ये अगर आप बैंक में एक साल की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एडिशनल चार महीने मिलेंगे दो की लेते हो तो आठ महीने मिलेंगे पच्चीस नवंबर तक ये वैलिड है एंड अगर आप सिक्स मंथ से ऊपर का कोई कोर्स लेते हैं तो उसके इसमें आप जो है ई भी बनवा सकते हैं ठीक है अगर छः महीने से ऊपर का कोई सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो आप ई एज ईजी ई एम आईज विच आर कंप्लीटली फ्री उसको भी आप यूज़ कर सकते हो ठीक है नॉ लेटर्स कम टू क्यू क्ली आर क्वेश्चन फॉर द डे पहला क्वेश्चन है मशीन दैट इज यूज फॉर डी हस्क ऑफ पल्स तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं एंड दिस क्वेश्चन वाज बी इन योर एफ ओ 2012 ठीक है आई बी 2012 का ये बेसिकली सवाल है तो मशीन जो डी हस्किंग ऑफ पल्स के लिए यूज की जाती है रबर रोल डी हस्कर सेंट्री फ्यूगल डी हस्कर एनर्जी रोल डी हस्कर अंडर रनर डिस्क शेलर और नन ऑफ दीज ठीक है सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अगर पढ़ा हुआ हो भी इसको आंसर कर सकते हैं नहीं तो फिर आंसर करने में दिक्कत हो जाती है अपने को कंसेप्ट क्लियर होगा तो इजीली आंसर कर पाओगे इसको ठीक है जो फार्म इक्विपमेंट्स और फार्म इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपका टॉपिक है अगर वो कवर किया हुआ होगा सो द आंसर ओवर दर विल बी ऑप्शन सी एनर्जी रोल डी हस्कर ठीक है अब आपका जो पल्स होता है ना पल्सिस का जो सिस्टम होता है उसके अंदर बहुत सारी मशीनरीज यूज की जाती हैं ठीक है देर आर अ लॉट ऑफ मशीनरीज दैट आर यूज क्योंकि जो मेजर पार्ट है पल्सिस का जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर दाल के अंदर क्योंकि इंडिया बिकॉज ऑफ द वेजिटेरियन

राइस की वो इम्प्रूव हो जाती है उस केस में ठीक है तो डेफिनेटली एक प्रोसेस आपको पूरा फॉलो करना पड़ता है अब देखो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो पूरा माइलि माइलिंग फैक्ट्रीज होती हैं हैं जो पर बेसिकली मिल्स होती आपकी, पर पल्स का ये सारा प्रोसेसिंग किया जाता है तो नॉर्थ इंडिया के अंदर तो देखो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती हैं जिनको पल्स की माइलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं हाई स्ट्रक्चर्ड मशीनें लगी होती हैं अब ये बड़ी बिल्डिंग्स से क्या होता है हाई स्ट्रक्चर्ड मशीनों से क्या होता है स्पेस रिक्वायरमेंट कम हो जाता है लेकिन ज्यादा पावर लगता है क्योंकि जितना ज्यादा आपका हाइट होगा उतना ज्यादा आपको ग्रेन को मूव करने के लिए एनर्जी लगेगा अब ये जो मल्टी स्टोरीड मिल्स होती है ना नॉर्थ इंडिया में जो नॉर्थ इंडिया की माइलिंग इंडस्ट्री है उसको बोलते हैं आगरा टाइप और सिमिलरली सदरन इंडिया में क्या होता है सिंगल स्टोरीड स्ट्रक्चर प्रेफर किए जाते हैं पल्स माइलिंग के लिए और इसको क्या बोला जाता है हैदराबाद टाइप ठीक है तो बेसिकली अगर आपसे क्वेश्चन में वो इस तरीके से पूछ ले कि ये आगरा टाइप क्या है या हैदराबाद टाइप क्या है तो आप ये कह सकते हो कि दीज आर द टाइप ऑफ मिल्स इन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया जो नॉर्थ इंडिया की पल्स माइनिंग मशीन्स होती हैं उनको बोलते हैं आगरा टाइप जो साउथ इंडिया में होती हैं उनको बोलते हैं हैदराबाद टाइप जो आगरा टाइप होती हैं वो मल्टी स्टोरीड होती है और जो हैदराबाद टाइप होती हैं वो सिंगल स्टोरीड होती हैं ये एक मेजर डिफरेंस जो है यहाँ पर इनके अंदर आपको देखने को मिल जाता है अब जो मेजर मशीनरीज यूज होती है पल्स uh, प्रोसेसिंग uh, के अंदर क्या क्या आ जाता है सबसे पहले क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग तो जो आपका रॉ पल्स होता है पहले तो आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा माइलिंग से पहले और इसके लिए आपका जो रोटरी या रेसिप्रोकेटिंग स्क्रीन क्लीनर्स जो हैं इनको यूज किया जाता है तो जैसे आपसे क्वेश्चन के अंदर दो में ये पूछा गया था कि डी uh, हस्किंग के लिए कौन सा मशीन यूज किया जा सकता है तो आपसे सिमिलरली वो डी हस्क की जगह यहाँ पर क्लीनिंग वर्ड भी मेंशन कर सकता था डी हस्क की जगह वो यहाँ पर अगर क्लीनिंग वर्ड मेंशन कर देता तो उसका कुछ जाना तो था नहीं लेकिन उसका एक नया क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया तो क्लीनिंग के लिए यहाँ पर कौन सी मशीनरी आपकी आ जाती है क्लीनिंग के लिए आपकी आ गई रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग स्क्रीन क्लीनर्स यहां पर आ जाएंगे ओके नॉर् रोटरी स्क्रीन ग्रेडर्स आर कॉमन इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर एज इन सदर्न पार्ट रेसिप्रोकेटिंग स्क्रीन ग्रेडर्स आर यूज अगेन डिफरेंस आ गया नॉर्थ और साउथ के बीच में एक तो आगरा टाइप और हैदराबाद टाइप वाला डिफरेंस हो गया और एक डिफरेंस आपका ये रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग स्क्रीन के क्लीनर्स वाला डिफरेंस हो गया ठीक है बेसिकली uh, ये करेंगे क्या ये ग्रेन्स को डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ साइजेस के हिसाब से सेपरेट कर देंगे तो अल्टीमेटली क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग उसका हो जाएगा ठीक है उसके बाद आपका डीहस्किंग का प्रोसेस शुरू होता है जिसके अंदर आपके कार्बोरेंडम एमरी कोटेड रोलर्स यूज किए जाते हैं यानी कि जो एनर्जी पावर्ड रोलर्स हैं जो ऑप्शन में गिवन था वो यूज किए जाते हैं ठीक है इसमें आपके साइलेंड्रिकल होते हैं या तो ये रोलर्स या टेपर शेप रोलर्स बेसिकली ये है होते हैं बिकॉज ये जो साइलेंड्रिकल और टेपर रोलर्स होंगे ये ग्रेन मूवमेंट को ईजी बना देते हैं ठीक है उसके बाद ऑयल और वाटर एप्लीकेशन बेसिकली ऑयल और वाटर को मिक्स करके जो पल्सेस सेपरेट किए आपने ग्रेडिंग और सेपरेशन किया क्लीनिंग किया उसके बाद अल्टीमेटली आपने उसका डी हस्किंग किया तो जो डी हस्किंग के बाद आपके पल्सेज आपको मिले उसको आप ऑयल और वाटर के मिक्स सोल्यूशन से ट्रीट करते हो ठीक है इसके लिए स्क्रू कन्वेयर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं बेसिकली ठीक है एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोसेस इन द पल्सिंग प्रोसेसिंग ओके उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जब आपने उसको वाटर और ऑयल ट्रीटमेंट दे दिया है तो अब आप उसको उसको ड्राई करना पड़ेगा ड्राइंग के लिए या तो सन ड्राइंग की जाती है रूफटॉप पे लेकर के जाके धूप में उसको सुखा दिया जाएगा ठीक है लेकिन ये वेदर डिपेंडेंट फिनोमिना हो गया सन ड्राइंग तो अब आप कंप्लीटली वेदर के ऊपर डिपेंडेंट हो अब अगर क्लाउडी सीजन है या रेनी सीजन चल रहा है तो उस समय पर फिर तो मिल्स को बंद हो जाना पड़ेगा ठीक है एंड ऐसा होगा तो काफ़ी नुकसान होगा अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा तो कन्वेंशनल मिलिंग प्लांट्स को पूरा साल चलाने के लिए इनफैक्ट इवन जब बारिश हो रही हो या रेनी सीजन हो तो उसके लिए आर्टिफिशियल या मैकेनिकल ड्राइंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ठीक है तो इसीलिए ड्रायर्स का यूज़ किया जाता है दाल मिल्स के अंदर ड्राइंग पर्पज़ के लिए ठीक है और इसमें आपका जो सी एफ टी आर आई माइसोर है उन्होंने भी एक थर्मल ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है वो क्रिएट किया है जो वेरियस ड्रायर्स को अल्टीमेटली यूज करता है फॉर ड्राइंग ताकि वेदर के ऊपर डिपेंडेंट uh, ना रहे जो ये पल स्माइलिंग कंपनीज हैं ऑलराइट ओके right. okay. क्स्ट इज स्पलिटिंग जब आपका एक बार अब ड्राइंग भी हो गया उसके बाद जो आपका डीहस्ट पल्स है या जो पल्स सीड्स हैं उनको स्प्लिट किया जाएगा ठीक है उसके लिए आप रोलर मिल्स को यूज करते हो अंडर रनर डिस्क मेड ऑफ मीडियम साइज ग्रेन्यूल्स ठीक है तो वो बेसिकली इसको स्प्लिट कर देगा पल्सिस को अल्टीमेटली फाइनली आप पॉलिशिंग करोगे ठीक है तो दाल पॉलिशिंग में बेसिकली क्या हो जाता है आप जो डीहस्ट स्प्लिट्स हैं उन कि जब आप स्प्लिटिंग कर रहे हो तो कुछ पाउडरी मटेरियल क्रिएट होगा तो उस पाउडर को आप रिमूव कर दोगे एंड अगेन आप अप्लाई करोगे ऑयल और वाटर को इस टाइम जो आप ऑयल और वाटर को अप्लाई कर रहे हो दैट इज फॉर गिविंग शाइन एंड लस्टर जो फाइनली आप दाल को शाइन और लस्टर देना चाहते हो उसके लिए एंड फॉर दिस पर्पज फॉर पॉलिशिंग पर्पज साइलेंड्रिकल हार्ड रबर रोल और लेदर बेड्स और एमरिकॉन पॉलिशर इसको यूज किया जाता है रोलर्स माउंटेड विथ ब्रशेस कैन बी यूज फॉर गिविंग द शाइनिंग टू दाल पाउडर पार्टिकल्स आर रिमूव बाय रबिंग एक्शन जो यहां पर हम रबिंग करके पाउडर को रिमूव कर देंगे उसके बाद स्क्रू कन्वेयर विद माइल्ड एग्रेसिव सर्विस लाइक नाइलॉन रॉप और वेलवेट क्लोथ कैन ऑल्सो भी यूज फॉर रिपीटेड रबिंग इससे क्या होगा पाउडर भी रिमूव हो जाएगा एंड अल्टीमेटली आपकी दाल के अंदर शाइनिंग भी आ जाएगी ठीक है तो ये सारा प्रोसेस आपका होता है जो पल्स प्रोसेसिंग के अंदर यूज किया जाता है और आपसे क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा गया था कि डी हस्किंग के लिए कब होता है तो अब अगर वो डी हस्किंग के अलावा और भी क्वेश्चन पूछता है जैसे आपसे आगरा टाइप या हैदराबाद टाइप क्या होता है ये क्वेश्चन पूछ लेता है या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ यू नो द फर्स्ट स्टेप दैट इज योर क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग उसका भी आपको पता चल गया डीहस्किंग का आपको पता चल गया ऑयल वाटर एप्लीकेशन के लिए क्या यूज होता है वो पता चल गया ड्राइंग पर्पज के लिए क्या होता है वो पता चल गया स्प्लिटिंग पर्पज आ गया फिर फिर पॉलिशिंग के लिए क्या क्या किया जाता है वो सारी चीजें अल्टीमेटली आपको पता चल चुकी हैं तो अगर अब ये क्वेश्चन रिपीट होता है सेम पैटर्न के ऊपर आई एम नॉट कि सेम क्वेश्चन आएगा ठीक है लेकिन सेम तरीके से अगर वो क्वेश्चन पूछता है तो आप डेफिनेटली एक बेटर सिचुएशन के अंदर हो उसको आंसर करने के ऑलराइट इज देयर एनी इशू विद दिस

नंबर डी यूरिक एसिड यूरिक एसिड जो है इस केस में करेक्ट आंसर होगा तो मेमल्स जो होते हैं आपके जो ह्यूमंस होते हैं बेसिकली जो आप एक्सक्रीशंस करते हो ठीक है उसके अंदर क्या होता है यूरिया प्रेजेंट होता है लेकिन जो बर्ड्स होते हैं जो रिप्टाइल्स होते हैं ठीक है और जो इन्वर्टेब्रेड्स होते हैं वो यूरिया ना रिलीज करके यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं एज वेस्ट तो ये एक डिफरेंस ह्यूमंस के अंदर एंड बर्ड्स रिप्टाइल्स और इनवर्टिब्रेड्स के अंदर होता है दैट दे रिलीज द वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया चलो थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ रेड ऑरेंज कलर ऑफ सेफ्रॉन इज ड्यू टू जो सेफ्रॉन होता है आपका उसमें जो रेड ऑरेंज कलर होता है वो किस वजह से होता है किस कंपाउंड की प्रेजेंस की वजह से सेफ्रॉन का कलर रेड ऑरेंज होता है ठीक है लाइजीन क्रोसिटीन क्लोरोफिल पॉलीफ़िनॉल्स या फिर जेंथोफिल नाउ वाट इज़ द आंसर ओवर हेयर अगेन ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके अंदर हम वेरिय एक पूरी लिस्ट देखते हैं जिसमें हम उस लिस्ट में डिस्कस करते हैं बेसिकली कि वेरियस कंपाउंडस जो आपके आ, होते हैं विच प्रोवाइड दिस वेरियस कलर्स और स्ट्रोंग टेस्ट या स्ट्रोंग स्मेल टू डिफरेंट तो क्रॉप्स तो उसके अंदर सेफ्रॉन के केस में इट इज क्रॉसिटीन सैफ्रॉन के केस में क्रॉसिटीन हो जाता है ठीक है अब ना हम एक छोटी सी यहां पर लिस्ट देखते हैं बेटा जिसके अंदर हम वेरियस जो बिटरनेस होती है किस किसी कंपाउंड के अंदर किसी के अंदर एक स्पेसिफिक कलर होता है ठीक है तो हम देखते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स जैसे अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले आलमंड्स की तो आलमंड्स के अंदर ना बिटरनेस होती है ठीक है बिटरनेस का क्या मतलब होता है कड़वापन तो अब आलमंड जो आपके बादाम है इनके अंदर बिटरनेस किसकी वजह से होती है इट इज बिकॉज ऑफ अ कंपाउंड कॉल्ड एमिलेडिंग एमिलेडिंग ठीक है अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया ना सिमिलरली ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं ठीक है सिमिलरली आपका जो बेल होता है उसके अंदर भी बिटरनेस होती है बेल के अंदर बिटरनेस किस कंपाउंड की वजह से होती है बेल के अंदर बिटरनेस किस कंपाउंड की वजह से होती है दैट इज कॉल्ड मैरमेलोसिन मैरमेलोसिन ठीक है उसके बाद जो आपका एनला होता है यानी कि जो आपका आंवला होता है आंवला के अंदर ना रेंसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है रेंसीडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है नाउ दिस रेंसिडिटी इन आंवला इज बिकॉज ऑफ वॉट आमला के अंदर रेंसिडिटी किस वजह से होती है दिस इज बिकॉज ऑफ अ कंपाउंड कॉल्ड टेनिन टेनिन ठीक है या फिर एक और कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीफिनॉल ठीक है सो बिकॉज ऑफ दिस योर एनला और आंवला कैन बिकम रे रेंसिड ओके रेंसिडिटी की प्रॉब्लम उसके अंदर हो सकती है ठीक है उसके बाद आपका बिटर uh, bitter जो होता है ठीक है करेला जो होता है उसके अंदर जो बिटरनेस होती है आप घर पे खाते हो ना कड़वा करेला ठीक है तो वो कर, करेला कडवा क्यों होता है ठीक है है बिटरनेस क्यों होती इन योर बिटर गॉड तो बिटर गॉड के अंदर भी एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो इसको बिटरनेस बेसिकली uh, uh, देता है एंड दैट इज योर मोमोडिकोसाइड मोमोडिकोसाइड ठीक है तो अगली बार आपके घर पे जब करवे करेले की बात हो तो आप बताना मम्मी पापा को अपने कि पापा करेला कड़वा इसलिए होता है क्योंकि इसमें मोमोडिकोसाइड होता है ठीक है उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है आपका आपके जो पोटैटो ट्यूबर्स होते हैं उनके अंदर ग्रीन कलर होता है ग्रीन कलर इन पोटैटो ट्यूबर्स नाउ व्हाट इज द the... कंपाउंड दैट इज फॉर दिस ग्रीन कलर इन पोटैटो तो वो होता है आपका सोलेनाइन सोलेनाइन जो है वो आपके पोटैटो ट्यूबर्स को ग्रीन कलर देता है ठीक है उसके बाद आ, आपकी गार्लिक के अंदर ऑडोर जो होती है गार्लिक ऑडोर गार्लिक ऑडोर बहुत स्ट्रांग होती है बेटा ये तो आप जानते ही हो अब दो तरह की ऑडॉर्स आती हैं गार्लिक में से एक जो आपके इंजर्ड गार्लिक होता है यानी कि जो बेसिकली गार्लिक आपका इंजर्ड हो चुका है और एक होता है जो आपका अनइंजर्ड है ठीक है तो जो इंजर्ड गार्लिक होता है उसके अंदर से जो स्ट्रांग स्मेल आती है दैट इज बिकॉज ऑफ एलाइसिन दैट इज बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ अ कंपाउंड कॉल्ड एलाइसिन ए डबल एल ईसीआई एलआईसी और जो अन इंजर्ड होते हैं उनके अंदर जो स्मेल आती है दैट इज बिकॉज ऑफ एमिनो एसिड एलाइनेस एमिनो एसिड एलाइनेस ठीक है तो गार्लिक के केस में भी आप इस तरीके से इसको याद रखेंगे क्वेश्चन डायरेक्ट देखो ये सारे के सारे आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन हैं ओके दीज कैन बी डायरेक्टली आज इन योर एग्जामिनेशन बिल्कुल डायरेक्टली ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ठीक है जी चलो उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ अनियन के ऊपर अब अनियन के तीन करेक्टरिस्टिक्स की हम यहाँ पर बात करते हैं एक तो अनियन के अंदर जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है ओडोर होती है एक जो आपके कुछ अनियन जो होते हैं वो रेड होते हैं कलर में तो रेड क्यों होते हैं और कुछ अनियन आपके येलो होते हैं अनियन में तो वो येलो किस वजह से होते हैं तो ओडोर के पीछे जो कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज योर एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड ठीक है रेड कलर अनियन में कहां से आता है इट इज बिकॉज ऑफ अ कंपाउंड कॉल्ड एंथोसायनिन एंथोसायनिन और जो कुछ आपके अनियंस जो है वो येलो होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ अ कंपाउंड कॉल्ड क्वेरसेटिन क्वेरसेटिन ठीक है तो दो ये तीनों एलिमेंट वो अनियन के आपसे पूछ सकता है कि अनियन के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑडोर किसकी वजह से होती है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से होती है अनियन के अंदर रेड कलर किस वजह से होता है एंथोसाइनिन की वजह से होता है अनियन के अंदर येलो कलर किस वजह से होता है तो आप कह दोगे क्वर्सेटाइन की वजह से अनियन के अंदर येलो कलर होता है इसको जरा एक बार ध्यान से देख लें अच्छे से और देखते जाए साथ के साथ याद करने की कोशिश जरूर करें ठीक है फिर आपका जो गाजर होती है गाजर के अंदर जो ऑरेंज कलर होता है ऑरेंज कलर इन गाजर ऑरेंज कलर जो आपके कैरेट का ऑरेंज uh, कलर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ वट कंपाउंड ऑफ अ कंपाउंड कॉल्ड कैरोटीन की वजह से आपका जो ऑरेंज होता है उसके अंदर आपको येलो कलर देखने को मिलता है उसके बाद जो आपका कैप्सिकम होता है कैप्सिकम के अंदर पंजेंसी होती है पंजेंसी का क्या मतलब होता है पंजेंसी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग स्मेल एंड टेस्ट एंड स्मेल ठीक है स्मेल और टेस्ट में जो चीजें स्ट्रॉन्ग होती हैं उसको हम बोलते हैं पंजेंसी तो कैप्सिकम के अंदर जो पंजेंसी होती है आपकी जो शिमला मिर्च होती है तो कैप्सिकम में पंजेंसी के पीछे कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज कॉल्ड कैप्साइसिन कैप्साइसिन ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली आपसे पेपर के अंदर पूछा जा सकता है उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका बेटा नेक्स्ट इसके अंदर आपका जो आ जाता है दैट इज योर पंजेंसी इन रेडिश पंजेंसी आई एम जस्ट राइटिंग पी इन रेडिश रेडिश के अंदर जो पंजेंसी आती है दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट तो रेडिश की जो पंजेंसी होती है दैट इज बिकॉज ऑफ आइनोसाइनेट आइनोसाइनेट ठीक है ये इस कंपाउंड की वजह से जो है आपके रेडिश के अंदर आपको पंजेंसी देखने को मिलती है फिर आपकी पंजेंसी ट्यूरनिप के अंदर भी होती है ट्यूरनिप के अंदर जो कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है पंजेंसी के लिए दैट इज योर कैल्शियम ऑक्जलेट कैल्शियम ऑक्जलेट ठीक है कैल्शियम ऑक्जलेट जो है आपका ट्यूरनिप के अंदर पंजेंसी बेसिकली कॉज करता है उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका जो टमाटर होता है अब आपका टमाटर लाल होता है ठीक है तो लाल टमाटर लाल किस कंपाउंड की वजह से होता है बड़ा ही जनरल सा क्वेश्चन है टमाटर लाल क्यों होता है कुछ तो होता होगा टमाटर में कि वो इतना लाल होता है और बाकी क्रॉप्स नहीं होते तो टमाटर का जो लाल रंग होने का रीजन है दैट इज योर लाइकोपीन लाइकोपीन एल आई सी ओ पीई एन ई लाइको की वजह से आपका जो टमाटर है वो लाल रंग का होता है रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू लाइको उसके बाद रेड कलर ऑफ टोमेटो के बाद जो नेक्स्ट uh, इसके अंदर आपका कंपाउंड आ जाता है आ, आपका जो टर्मरिक होता है वो येलो कलर का क्यों होता है जो हल्दी होती है आपकी हल्दी का रंग येलो क्यों होता है उसके पीछे जो कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज कॉल्ड करक्यूमिन करक्यूमिंग ठीक है ये सारे के सारे आपको आपके लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर से एक आधा क्वेश्चन आपको हर साल दिखी जाएगा नहीं तो ऑल्टरनेट ईयर्स में तो दिखी जाएगा तो काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है उसके बाद जो आपकी चिलीज होती है मिर्ची होती है चिली आपकी बेसिकली जो होती है उसके अंदर आपको पंजेंसी भी मिलती है यानी कि स्ट्रांग टेस्ट और स्ट्रॉन्ग स्मेल भी होता है उसका और चिलीज में जो आपका रेड कलर होता है ठीक है तो जो पंजेंसी होती है चिलीज के अंदर पंजेंसी किस वजह से होती है पंजेंसी इन चिली इज बिकॉज ऑफ योर कैप्साइसिन ठीक है कैप्साइसिन की वजह से आपका जो है चिलीज के अंदर आपको पंजेंसी दिखती है एंड रेड कलर इज बिकॉज ऑफ कैप्सेंथिन कैप्सेंथिन रेड कलर किस वजह से होता है कैप्सेंथिन की वजह से आपका रेड कलर होता है पंजेंसी इज बिकॉज ऑफ कैप्साइसिन एंड रेड कलर इज बिकॉज ऑफ कैप्सेंथिन इन योर बेसिकली चिलीज ओके उसके बाद नेक्स्ट uh, अगर हम बात करें जो आपका क्यूकम्बर होता है बिटरनेस जो होती है क्यूकम्बर में ठीक है अगर आपका जो खीरा होता है बेसिकली अगर उसके अंदर बिटरनेस होती है सो दैट इज बिकॉज ऑफ अ कंपाउंड कॉल क्यूकर बिटेसिन क्यूकर बाइटेसिन ठीक है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपका नीम नीम होता है नीम नीम के अंदर भी आप देखते हो कि बिटरनेस होती है तो बिटरनेस इन नीम इज बिकॉज ऑफ नीम के अंदर बिटरनेस क्यों होती है नीम के अंदर बिटरनेस होती है बिकॉज ऑफ अ कंपाउंड कॉल्ड लिम्बिन और निम्बिडिन लिम्बिन और निम्बिडिन ठीक है लिम्बिन और निम्बिडिन एन आई एम बी आई डी आई एन लिम्बिन और निम्बिडिन इसकी वजह से आपकी किसमें बिटरनेस होती है नीम के अंदर बिटरनेस होती है ठीक है उसके बाद पपाया आपका जो पपाया होता है वो येलो कलर का क्यों होता है येलो कलर ऑफ पपाया येल्लो कलर ऑफ पपाया नाउ वाई इज़ योर पपाया येल्लो येल्लो कलर जो पपाया के अंदर आता है दैट इज बिकॉज ऑफ कैरिका जेंथीन कैरिका जेंथीन ये बेसिकली कंपाउंड जो है पपाया के अंदर पपाया को येल्लो कलर जो है वो प्रोवाइड करता है ठीक है सिमिलरली जो आपकी काली मिर्च होती है पेपर होता है पेपर जो होता है वो आपका बिटर होता है ठीक है बिटर होता है तो अब ये जो बिटरनेस आती है पेपर में ये कहाँ से आती है पेपर के अंदर बिटरनेस कौन से कंपाउंड से आती है सो so, पेपर में जो बिटरनेस होती है, that is because of marmelosin. Marmelosin. ठीक है, ठीक से आपकी पेपर के अंदर बिटरनेस आती है ऑल right, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके कंपाउंड्स हैं. दोनों स्लाइड्स को एक बार दोबारा देख लीजिए दोनों कंपाउंड्स को एक बार दोबारा देख लीजिए एंड दिमाग में चिपकाने की कोशिश कीजिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जो अल्टीमेटली आपको काफी हेल्प करेगा कोई डाउट इसके अंदर निकल करके आता है तो वो पूछिए ऑरेंज कलर इन कैरेट बेटा कैरोटीन है ऑरेंज कलर इन कैरोटीन इज बिकॉज ऑफ कैरोटीन ये अगर क्लियरली नहीं दिख रहा तो यहां पर भी मैं लिख दे रहा हूं कैरोटीन ठीक है पीडीएफ इसकी मैं टेलीग्राम पर शेयर ही दूंगा आपके साथ डो नॉट वरी चलो नेक्स्ट स्लाइड का भी देख लो एक बार ऐसे ही हमने थोड़े थोड़े चार चार पांच पांच छे छह उठा उठाके करते जाने हैं आधा घंटा पौना घंटा क्लास लेनी है और काफी एरिया जो हम कवर कर देंगे इसमें चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बायोलॉजिकल पैराडाइज in इन इंडिया इनमें से किसको बायोलॉजिकल पैराडाइज इन इंडिया कहा जाता है नंदा देवी सुंदरबंस गल्फ ऑफ मनार नीलगिरी रिजर्व इस टाइप के क्वेश्चन ना ये जो एग्जामिनर है ये डायरेक्टली न्यूज में से पिकअप करता है कहीं ना कहीं न्यूज में उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड कुछ आया हुआ होता है जिससे ये क्वेश्चन बना देते हैं यहाँ पर डायरेक्टली एंड द आंसर ओवर हेयर इज ऑप्शन सी गल्फ ऑफ मनार गल्फ ऑफ मनार में जो बेसिकली जो क्रुज क्रुजडाई क्रुजडाई हैं इज क्रूजडाई आफ्टर द शिवा ओके सो शिवा जो लॉर्ड शिवा है उनके आफ्टर दिस हैज बीन क्रुजडाई आइलैंड एंड दिस इज नोन एज द बायोलॉजिकल पैराडाइज बिकॉज ऑफ द रिचनेस इन स्पीशीज दैट इज फाउंड ओवर हेयर ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से फिफ्थ क्वेश्चन द साइज ऑफ ट्रैक्टर टायर मे बी रिप्रेजेंटेड बाय अगर आपको ट्रैक्टर टायर के साइज को रिप्रेजेंट करना है तो उसमें आप क्या क्या लेते हो सेक्शन रेडियस सिम सेक्शन थिकनेस रिम सेक्शन हाइट रिम सेक्शन हाइट और रिम डायामी और नन ऑफ दीज तो ये जनरली सिर्फ ट्रैक्टर टायर्स के लिए नहीं अगर आप ट्रक का किसी का टायर देख रहे हो या गाड़ी के भी टायर देख रहे हो तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं तो वहां से इन्होंने ये बेसिकली आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या जिसके अंदर आपका सब टॉपिक आता है फार्म इंप्लीमेंट्स उधर से डायरेक्ट क्वेश्चन ये उन, इन्होंने उठा करके पूछा है एंड द आंसर ओवर हेयर गाइस विल बी ऑप्शन बी सेक्शन थिकनेस और रिम डायमीटर तो जब भी हम एक टायर की बात करते हैं तो एक तो टायर की ओवरऑल विड्थ हो जाती है ठीक है जो आप जितना चौड़ा आपका कंप्लीट टायर है ठीक है फिर ये जो आउटर ग्रिप है इसको छोड़ करके जो वो बचता है उसको हम बोलते हैं सेक्शन विर्थ जिसको आप सेक्शन थिकनेस यहां पर बोल रहे हो ठीक है सेक्शन थिकनेस उसके बाद एक आपकी ट्रेड डायामीटर आ जाती है ट्रेड ट्रेड विर्थ होता है बेसिकली जो डायरेक्टली आपका जो जो एक तो होता है ना टायर ये तो अपर पार्ट हो गया ये टायर का लोअर पार्ट हो गया तो ये जो टायर का लोअर पार्ट होता है इसको ट्रेड विर्थ बोलते हैं जो बेसिकली ट्यूब को होल्ड करता है एंड फाइनली इज योर रिम विर्थ रिम आपका ये होता है ठीक है रिम होता है जो नीचे लोहे का या एल्यूमिनियम का रिम होता है उसको रिम व्य बोलते हैं तो अगर आप जनरली किसी भी टायर के साइज की बात करोगे आप एक पर्टिकुलर टायर साइज बताना चाहते हो फॉर परचेजिंग एनी टायर तो उसको आप सेक्शन थिकनेस और रिम डायमीटर बताते हो अपने व्हीकल का एंड अकॉर्डिंगली आप टायर लेते हो ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है एग्जाम में तो तैयार रहना है, एक आधा ऐसा क्वेश्चन आता है लेकिन अगर ये नहीं भी आए ना तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि ऐसा एक आधा ही क्वेश्चन होगा और ज्यादा नहीं होते हैं ठीक है चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लेक्चर का डब्ल्यू एच ओ ने स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन कौन से साल में अनाउंस किया था ठीक है स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन तो देखो इस तरह टाइप के जनरल क्वेश्चन कई बार वो पूछ लेता है ठीक है आ, जब डब्ल्यू एच ओ ने इरेडिकेशन बेसिकली यहाँ पर क्या बात हो रही है ग्लोबल लेवल पर ठीक है ग्लोबल लेवल के ऊपर यहाँ पर बात हो रही है ये किसी एक देश की यहाँ पर बात नहीं होती है कि एक पर्टिकुलर कंट्री ने कब इरेडिकेट uh, कर दिया ठीक है दिस इज अबाउट द इरेडिकेशन फ्रॉम द वर्ल्ड ग्लोबल इरेडिकेशन ठीक है जी तो ये कब इरेडिकेट हुआ था 1980 में हुआ था अब मैं अगर सिमिलरली आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ नाइनटीन में हुआ था बेटा आप डब्ल्यू की वेबसाइट पर जाकर के देखो नाइनटीन है वहाँ पर आंसर ठीक है अगर अब मैं आपसे यहाँ पर स्मॉल पक्स की जगह यहाँ पर मैं लिख देता रेंडर पेस्ट तो क्या आप मुझे रेंडर पेस्ट का बता सकते थे मैं आपको ऑप्शंस भी दे देता हूँ यहाँ पर ऑप्शंस में आपको दे देता हूं 2002 2006 2011 2013 एंड नन ऑफ दी अबव ठीक है ए बी सी डी ई तो क्या आप मुझे अब आंसर बता सकते हो रिंडर पेस्ट का आंसर बता सकते हो कब हुआ इरेडिकेट वेन वॉज दिस राइंडर पेस्ट इरेडिकेटेड ठीक है तो ऐसे तैयार रहना है बेसिकली कि क्वेश्चन किसी भी स्टाइल में वो पूछ सकता है तो अगर आप देखें यहाँ पर आंसर 1980 होगा एंड दो डिजीज जो बेसिकली इरेडिकेट हुए हैं पिछले कुछ समय में दुनिया में से स्मॉल पॉक्स इसका इरेडिकेशन डिक्लेयर हुआ था 1980 में इसका जो कॉज था अब जैसे उसने इरेडिकेशन पूछा है वो आपसे कॉज भी पूछ सकता था कि कौन से वायरस से ये बेसिकली होता था स्मॉल पॉक्स दिस वॉज बिकॉज ऑफ वेरी ऑला वायरस एंड वैक्सीनेशन का यूज करके इसको इरेडिकेट किया गया स्मॉल पॉक्स की जो फेटिलिटी हुआ करती थी फैटिलिटी का मतलब होता है डेथ रेट कि अगर सौ लोगों को स्मॉल पॉक्स हुआ तो उनमें से कितने बच जाते थे कितने मर जाते थे थर्टी परसेंट जो है डेथ होती थी रेंडर पेस्ट जो आपका डिक्लेयर हुआ 2011 में जिसको इरेडिकेट किया गया रेंडर पेस्ट वायरस से ही होता है ठीक है और इसको इरेडिकेट किया है सैनिटरी मेजर्स को इम्प्रूव करके और वैक्सीनेशन को बेसिकली और ज्यादा प्रमोट करके इसके अंदर फर्टिलिटी रेट 100 परसेंट था यानी कि जिसको एक बार हो गया वो गया ठीक है तो ये दो वायरसेस पिछले मेजर वायरसेस पिछले कुछ समय में इरेडिकेट किए गए हैं तो 2012 के एग्जाम के पैटर्न पे आने वाले ईयर में इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है तो अल्टीमेटली समझने वाली चीज यही है कि जो जो आपसे और बेसिकली 2011 में रेंडर इंडर फर्स्ट इरेडिकेट हुआ था तभी स्मॉल पॉक्स के इरेडिकेशन की न्यूज भी थी तभी दो में उसने पेपर में पूछा है ना तो इस तरीके से तैयार रहना है एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझना है कि किस तरह से वो क्वेश्चन अल्टीमेटली पूछता है ओके okay, चलो नाउ विद दिस वी विल कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर जैसे कि मैंने आपको कहा था शॉर्ट लेक्चर्स होंगे बहुत बड़े लेक्चर्स नहीं होंगे दो घंटे के एक घंटे के जैसे हम अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर करते हैं छोटे छोटे रखेंगे ताकि इजिली थोड़ा थोड़ा बेसिकली दिस इज लाइक अ ब्रेक पीरियड आपका आधे घंटे आप पढ़ते पढ़ते थक गए आकर के यूट्यूब पर ब्रेक लो आराम से क्लास देखो पांच छे सात क्वेश्चन करो थोड़ी सी नॉलेज ग्रैप करो और जाकर के फिर लग जाओ ठीक है

अगर एआरडी से ना मिले तो ये दो नामों से आप अगर सर्च करोगे तो इजीली आपको मिल जाएगा एंड ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा वहां पर अभी लिंक इसका शेयर हो जाएगा ठीक है आई विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम साढ़े तीन बजे कल भी क्लास रखेंगे एंड अगेन कुछ क्वेश्चंस को वहां पर हम करेंगे ठीक है तब तक के लिए गाइस ऑल द बेस्ट टेक केयर एंड बाय